हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइस इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारी गैसकाव की E1000 मॉडल की VFD आती है, उसके अंदर हमें टर्मिनल पर ऐसे कोई सिलेक्टर स्विच का कनेक्शन करना है या ऐसे कोई पुश बटन का कनेक्शन करना है और उससे हमारी VFD को स्टार्ट स्टॉप का कमांड देना है। साथ में हमें हमारी जो VFD में हम स्पीड कम ज़्यादा करते हैं वो ये अप डाउन कैसे करनी है या कोई ऐसे कोई एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर से करनी है, तो उसके लिए हमें VFD में कौन से पैरामीटर डालने होंगे और हमें कंट्रोल टर्मिनल पर वायरिंग कौन से टर्मिनल पर करना पड़ेगा वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और ये जो भी मैं पैरामीटर बताऊंगा साथ में ये टर्मिनल पर वायरिंग बताऊंगा वो यास्कावा की V1000 एंड Z1000 मॉडल के लिए भी सेम ही रहेगा, ठीक है। मतलब ये पैरामीटर एंड टर्मिनल पर जो भी वायरिंग रहेगा वो ये दो मॉडल के लिए भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी आप ये प्रोग्रामिंग करके ये कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है B101 फ्रीक्वेंसी रेफरेंस सिलेक्शन। तो ये पैरामीटर क्या डिसाइड करता है कि हम हमारी VFD में जो भी स्पीड कम ज़्यादा करती है वो कहाँ से करनी है, ये अप डाउन किस से करनी है या फिर एक्सटर्नल कोई ऐसे पोटेंशियोमीटर लगाए उससे हमारी VFD की स्पीड कम ज़्यादा करनी है, तो उसके लिए हमें ये पैरामीटर में जाना पड़ेगा, ठीक है। और मैं पहले आपको बता दूं कि अगर आपको डायरेक्टली VFD को लोकल मोड में ऑपरेट करना है तो यहाँ पर आपको LO/RE वाली स्विच दिख रही होगी, तो ये स्विच को प्रेस करते ही ये हमारी जो VFD है वो लोकल मोड में आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि यहाँ से स्टार्ट स्टॉप होगी और उसकी जो स्पीड कम ज़्यादा होगी ना वो ये अप डाउन बटन से होगी, ठीक है। तो मैं आपको एक बार स्टार्ट स्टॉप करके दिखा देता हूँ। देखिए अभी मेरी VFD को स्टार्ट का कमांड मिल गया, ठीक है। और इसमें आपको फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐप पर जाना है, बाद में एंटर को प्रेस करना है, बाद में ये अप डाउन से कम ज़्यादा होगी एंड ये शिफ्ट वाला जो बटन है ना रीसेट वाला उससे भी वो आगे पीछे कर्सर होगा, ठीक है। देखिए बाद में आपको क्या करना है कि एंटर कर देना, उससे क्या कि ये फ्रीक्वेंसी आपकी सेव हो जाएगी। देखिए अभी एंड हो गया, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये 56.22 जो भी हमने अभी सेट करके एंटर कर दी वो फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। जैसे मैं स्टॉप करता हूँ तो मेरी VFD को स्टॉप का कमांड मिल जाएगा। मतलब कि अगर आपको डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी भी यहाँ से कम ज़्यादा करनी है एंड स्टार्ट स्टॉप यहाँ से करना है तो उसके लिए यहाँ पर एक बटन दिया है उसको प्रेस करने से यहाँ पर छोटी सी LED भी स्टार्ट हो जाएगी इंडिकेट करनी, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि अभी हमारा जो VFD है वो लोकल मोड में, अभी हम रिमोट मोड में करते हैं। देखिए अभी मैंने प्रेस किया, यहाँ पर LED बंद हो गई, ठीक है। अभी हम टर्मिनल पर कनेक्शन कर पाएंगे और उससे हमारी VFD को स्टार्ट स्टॉप कर पाएंगे। तो चलिए अभी पैरामीटर में आपको दिखाता हूँ कि B101 में पैरामीटर B101 अभी इसमें वन है। वन का मीनिंग क्या हो गया, एनालॉग इनपुट टर्मिनल। मतलब कि हमें कोई ऐसा पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन करना है तो इसके लिए इसमें वन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इसमें वन ही है, तो हमें कनेक्शन कहाँ पर करना है वो एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहले ये हमारी टर्मिनल स्ट्रिप है, ये एक, ये सेकंड है और ये थर्ड है। यहाँ पर उसका नेम इंडिकेट लिखा हुआ है, ठीक है, SC वाली और तीसरी S1 S2 S3 वाली, ठीक। तो अभी हमें पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कहाँ पर करना है, प्लस V में करना है। एक वायर को प्लस V में देना है, दूसरे जो हमारा पॉट का वेरिएबल है उसको A1 में देना है, तो इसको A1 में देना है, ठीक है। और जो लास्ट में है उसको AC में देना है, तो AC में देना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक बार पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कर देता हूँ। जो बीच वाला वायर है ना उसको A1 में लेना है, तो SC के बाद में जो दूसरी वाली स्ट्रिप है उसमें SC के बाद में जो है ना उसको A1 इंडिकेट किया है, तो A1 में मैंने जो पॉट का वेरिएबल था ना उसको लगा दिया। बाद में उसके दो टर्मिनल के बाद में V+ है, तो V+ में कनेक्शन करने के लिए मैं येलो का यूज कर देता हूँ। और लास्ट में AC में कनेक्शन करना है, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको स्पीड दिखा देता हूँ। देखिए अभी जो मेरी स्पीड है वो पोटेंशियो पर आ गई है, देखिए एक कम ज्यादा हो रही है पोटेंशियोमीटर से, ठीक।
और ये मैक्सिमम मिनिमम स्पीड आपको यहाँ पर सेट करनी है, तो वो भी मैंने पहले वाले वीडियो में बताया। वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, कि इसमें मैक्सिमम मिनिमम फ्रिक्वेंसी को कैसे सेट करते। अभी इसमें मैक्सिमम 60 है, उसके लिए ये 60 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन, V+, A1 एंड AC। आपको ध्यान क्या रखना है कि जो हमारा वेरिएबल है वो A1 में कनेक्ट करना है, मतलब कि A1 जो टर्मिनल है उसमें कनेक्ट करना है, ठीक है, सेकंड में। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन। नेक्स्ट क्या है, B102 रन कमांड सिलेक्शन। तो ये पैरामीटर क्या डिसाइड करता है कि हमें हम जो हमारी VFD को स्टार्ट स्टॉप का कमांड देते हैं वो कहाँ से देना है, ये रन स्टॉप के बटन से देना है या फिर टर्मिनल पर ऐसे कोई पुश बटन का कनेक्शन करके देना है या फिर ऐसे कोई सिलेक्टर स्विच से उसको स्टार्ट स्टॉप करना है। तो उसके लिए इसमें अभी 1 करना पड़ेगा, ठीक है। अभी वो रिमोट मोड में है ना, तो डिफॉल्ट इसमें 1 ही होगा। चलिए देख लेते हैं, पैरामीटर में एंटर करने के बाद B102 अभी 1 है, मतलब कि डिजिटल इनपुट टर्मिनल, और इसमें 0 होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा कि स्टार्ट स्टॉप का कमांड ये रन स्टॉप के बटन से हो जाएगा। देखिए चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी मैंने इसमें 0 के लिए, देखिए यहाँ पर एल जो लोकल रिमोट की LED स्टार्ट हो गई, और देखिए अभी रन कमांड यहाँ से है और उसका फ्रिक्वेंसी ये मेरे पॉट से कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है, क्योंकि B101 में 1 डाला हुआ है। तो ये स्टॉप हो गई, अभी पैरामीटर B102 इसमें मैं 01 कर देता हूँ क्योंकि मुझे नीचे सिलेक्टर स्विच का कनेक्शन करना है, इसमें 1 कर दिया, ठीक है। तो अभी तो इसमें भी दो तरह के कनेक्शन होते हैं, एक 2 वायर कनेक्शन होता है और एक 3 वायर कनेक्शन होता है। 2 वायर कनेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि हमें कोई ऐसी सिलेक्टर स्विच से हमारी VFD को स्टार्ट स्टॉप फॉरवर्ड रिवर्स का कमांड देना है तो ये 2 वायर में आता है, और अगर हमें हमारी VFD को ऐसे पुश बटन से उसको स्टार्ट स्टॉप करना है तो वो 3 वायर में आता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पहले 2 वायर कनेक्शन समझा देता हूँ। तो 2 वायर में आपको करना क्या है कि हमारा जो कॉमन SC है, इसमें जो यास्काओ में कॉमन है SC टर्मिनल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये SC हमारा कॉमन है, ठीक है, और S1 हमारा फॉरवर्ड है और S2 रिवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको एक कॉमन में से एक वायर को लेना है, बाद में रिवर्स के NO बटन से होकर S2 में देना है, ठीक है, और ये उसी वायर को फॉरवर्ड के NO बटन में से होकर S1 में देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए येलो मेरा कॉमन वायर है तो इसको मैं SC में देता हूँ, ठीक है, SC में देता हूँ। इसको मैंने SC में दे दिया, ठीक है। बाद में क्या करना है कि हम जो NO के सामने से एक वायर आ रहा है रेड वाला, उसको मैं S1 में देता हूँ, और ये दूसरा जो ब्लू वायर है उसको मैं S2 में दे देता हूँ। और ये आपको ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों NO एलिमेंट है, ठीक है। तो ये और ये येलो हमारा कॉमन है, तो अभी फॉरवर्ड के लिए मैं S1 के लिए ये रेड वायर यूज़ करता हूँ, ठीक है, S1 में ये रेड वायर लगाता हूँ। और S2 में ब्लू वाला वायर लगाता हूँ। तो ये हो गया मेरा कनेक्शन, देखिए। तो अभी मैं मेरी VFD को फॉरवर्ड का कमांड देता हूँ, ये मेरी VFD को फॉरवर्ड का कमांड मिल गया, ठीक है। अभी इसको रिवर्स का कमांड देने के लिए ये देखिए अभी मैंने स्टॉप कर दिया, बीच में स्टॉप होती है, और जैसे ही येलो और ब्लू शॉर्ट हो गए तो रिवर्स का कमांड मिल जाएगा। देखिए रिवर्स का कमांड मिल गया, यहाँ पर रिवर्स की LED स्टार्ट हो गई ब्लिंकिंग होनी, और यहाँ पर माइनस इंडिकेट कर रहा है कि हमारी जो मोटर है वो रिवर्स घूम रही है, ठीक है। तो ये हो गया कनेक्शन। और अगर आपका कॉन्टेक्टर में से जो वायर आ रहे हैं तो आपको क्या करना है कि कॉमन को
एक साइड देना है कॉन्टेक्टर की, एक साइड एनो में देना है, और जो रेड वाला जो यहाँ पर S1 में से जो वायर निकल रहा है उसको दूसरी साइड देना है। तो जब ये दोनों शॉर्ट होंगे तो आपका फॉरवर्ड घूमेगी, ये दोनों शॉर्ट होंगे तो आपकी मोटर रिवर्स घूमेगी, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल टू वायर कनेक्शन हमारी बीएफडी का। चलिए अभी मैं कनेक्शन निकाल देता हूँ। और अगर आपने ये कनेक्शन किए फिर भी आपकी बीएफडी में वो फॉरवर्ड रिवर्स का कमांड नहीं ले रही, तो आपको एक बार H101 पैरामीटर में चेक कर लेना है। तो ये पैरामीटर क्या डिसाइड करता है कि हमारा जो S1 फंक्शन, S1 टर्मिनल है, S1 टर्मिनल वो कौन से फंक्शन के लिए प्रोग्राम करना है, तो वो ये पैरामीटर डिसाइड करता है। तो अभी इसमें 40 है, 40 का मीनिंग क्या होगा कि जो हमारा S1 टर्मिनल है वो फॉरवर्ड रन के लिए प्रोग्राम है, ठीक है। सिमिलरली H102 हमारा H2 टर्मिनल, तो इसमें क्या है 41 है, मतलब कि हमारा जो H2 टर्मिनल है वो रिवर्स के लिए प्रोग्राम है, ठीक है। सिमिलरली H103 हमारा जो S3 टर्मिनल है, ठीक है, तो उसको कौन से फंक्शन के लिए प्रोग्राम करना है, तो इसमें आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। और फॉर सिमिलरली, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि अभी आपको मैं थ्री वायर सीक्वेंस समझा दूँ, मतलब कि आपको ऐसे कोई पुश बटन से आपकी वीएफडी को स्टार्ट स्टॉप का कमांड देना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले पैरामीटर में H103 में मैं S3 टर्मिनल को सिलेक्ट करता हूँ थ्री वायर के लिए, तो इसमें मुझे जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको जीरो कर देता हूँ। जीरो का मीनिंग क्या होगा, थ्री वायर सीक्वेंस। देखिए अभी मेरी बीएफडी थ्री वायर प्रोग्राम हो गई है। तो अभी मुझे सिर्फ कनेक्शन करना है, तो इसमें कनेक्शन कैसे करना है वो देख लीजिए कि SC हमारा कॉमन है, ठीक है। तो SC कॉमन में से जो एक वायर आ रहा है उसको, जो हमारे NC बटन है स्टॉप वाला बटन ये वाला, उसमें से होकर हमें S2 में देना है, और उसकी लिंक करके स्टार्ट के बटन से होकर S1 में देना है। तो चलिए मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि ये रेड वाला जो वायर है उसको मैं SC में देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने SC में दे दिया, ठीक है। अभी क्या करना है कि जो NC वाला बटन है उसमें से, NC वाला बटन है ना ये रेड बटन, उसके आगे से जो वायर निकल रहा है, देखिए उसके आगे से जो वायर निकल, उसमें से लिंक लगाकर एक को डायरेक्ट S2 में दे देना है। तो इसमें से जो एक वायर येलो निकला उसको मुझे डायरेक्टली होल्ड ऑन के लिए S2 में दे देना है, ठीक है। तो मैं इसको येलो को होल्ड ऑन के लिए S2 में दे देता हूँ। एंड बाद में क्या करना है कि जो दूसरा एक वायर है उसमें से लिंक करके एक NO बटन लेना है, ठीक है। ये वायर में से लिंक करके एक NO बटन में देना है, ठीक है। और जो NO बटन में से वायर निकल रहा है उसको S1 में देना है, ठीक है। तो इसमें से जो ब्लू वाला वायर निकल रहा है NO बटन में से, उसको मैं S1 में देता हूँ। तो ये हो गया मेरा कनेक्शन। अब ये फॉरवर्ड रिवर्स का कनेक्शन मैं आपको बाद में समझाता हूँ, ठीक है। अभी एक बार स्टार्ट स्टॉप देख लीजिए कि जैसे ही मैं स्टार्ट का बटन प्रेस करूँगा मेरी बीएफडी को स्टार्ट का कमांड मिल गया, ठीक है। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, और जैसे ही मैं स्टॉप करूँगा तो मेरी बीएफडी को स्टॉप का कमांड मिल जाएगा, ठीक है। अभी आपको इसमें आपको मोटर को रिवर्स घुमानी है, क्या करना पड़ेगा कि SC में से एक वायर को लेना है, जो हमारा कॉमन में से एक वायर को लेना है, उसमें से एक सिलेक्टर स्विच के थ्रू S3 में एक कनेक्शन कर देना है। तो जैसे ही कॉमन एंड S3 शॉर्ट हो गए तो हमारी VFD को रिवर्स का कमांड मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। देखिए अभी जो पहले मैंने यूज़ किया था वही है, येलो मेरा कॉमन है, येलो और रेड को मैं यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। और ये NO एलिमेंट है, तो येलो और रेड को मैं यूज़ कर देता हूँ रिवर्स के लिए। एक वायर को मैं SC में देता हूँ, ठीक है। और इसके सिवाय एक दूसरा टर्मिनल SC भी इसमें भी दिया हुआ है, वो SC और ये SC दोनों सेम टर्मिनल है, ठीक है। तो आप इसमें भी कनेक्शन कर सकते हैं। अभी मैं रेड वायर को यूज़ कर देता हूँ। उसको कनेक्ट कहाँ पर करता हूँ, S3 में कनेक्ट करता हूँ, ठीक है।
यहाँ पर S3 आपको दिख रहा है, उसमें मैं कनेक्ट करता हूँ। तो देखिए अभी मेरा कनेक्शन हो गया, अभी ये स्टार्ट का कमांड मिल गया मेरी बीबी को। अभी इसको रिवर्स करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे SC एंड S3 को शॉर्ट करना पड़ेगा। तो ये सिलेक्टर स्विच के थ्रू हो गया, इसको रिवर्स का कमांड मिल गया, ठीक है। तो अभी मेरी मोटर है वो रिवर्स के डायरेक्शन में घूमेगी, यहाँ पर माइनस भी इंडिकेशन आ गया। जैसे आप रिवर्स को ऑफ करेंगे तो फिर से वो हमारी जो मोटर है वो फॉरवर्ड की डायरेक्शन में घूमनी शुरू हो जाएगी। और अगर हमें VFD को स्टॉप करना है तो यहाँ पर स्टॉप का बटन को प्रेस करना पड़ेगा, तभी वो स्टॉप होगी, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई हमारा स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के कनेक्शन, और साथ में मैंने सिलेक्टर स्विच से उसको फॉरवर्ड रिवर्स कैसे करते हैं वो मैंने बताया, ठीक है। तो अभी भी आपको इसमें जानना है कि बेसिक पैरामीटर कैसे सेट करते हैं और हर एक बेसिक पैरामीटर का यूज़ क्या होता है, तो आपको ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सभी जो बेसिक पैरामीटर है उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और अभी भी आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस।